आईपीएल मैचेस पर सट्टा लगाने वाली टोली गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए धावा किया जहां पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने इस टोली को दबोच लिया। इनके कब्जे से नगद रकम 7 लाख रुपयों से ज्यादा, 7 सेलफोन, 1 LED और दीगर अशिया को पुलिस ने बरामद कर लिया। इस टोली में से एक मफरूर भी बताया गया, इसे भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मसरूफ है, तहकीकात है। मजीद इस टोली की तहकीकात के लिए शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल कमिश्नर कमिश्नर टास्क फोर्स एन कोठी रेड्डी ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट indtoday.com। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स दो क्रिकेट बेटिंग एजेंट्स नीति सिंह और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। 7,01,500 नेट कैश, 1 LED TV, 7 सेलफोन और 3 स्पेयर सिम कार्ड सीज किया। पूछताछ में ये मालूम हुआ कि एक्यूज्ड पर्सन्स नीति सिंह और मनोज कुमार ने 2 साल से बेटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये लोग पूरे सीजनल मैचेस को बेटिंग ले रहा है और ये लोग टेलीग्राम ऐप Bet365 ऐप में देकर मैच अपडेट्स और बेटिंग रेट मालूम करके पंटर्स को सेलफोन में इन्फॉर्म करता है। ये लोग डायरेक्ट या थ्रो एजेंट्स बेटिंग के पैसे वसूल करता है। नीतीश ये बेटिंग उसके कजिन हरिविशाल के जरिए से चलाता है। अभी विशाल आउट ऑफ स्टेट है। मनोज ये बेटिंग उसके एजेंट मोहित के जरिए से चलाता है। मनोज इससे पहले भी 2015 साल में शहनाईगंज पीएस में क्रिकेट बेटिंग केस में अरेस्ट हुआ। इन्हें वही पीएस में एक अट केस में और हबीबनगर पीएस का आर्म्स एक्ट केस में भी अरेस्ट हुआ। अरेस्टेड मुलजिम को सीजन प्रॉपर्टी के साथ शहनाईगंज और बेगमपेटा पुलिस स्टेशन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंडेड कर रहे हैं।